राहुल क्या कर रहे हो? गाड़ी चला रहे हो? जब दिल किया तब चले गए। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। और अभी आप देख रहे हैं, अभी है शाम का टाइम, मतलब अभी अरुल है यहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह, इसको जब आप खेलने से रोक देंगे ना बाहर ग्राउंड में जाने से शाम में, तो ये पूरी गाड़ी वाड़ी निकाल लेगा खेलने के लिए। तो अभी खेल रहा था, फिर बाहर चला गया, तो वही मैं उसको देख रही हूँ, बाहर से आवाज़ आ रही है। और गली में इतने मोटे मोटे कुत्ते डॉग हो गए हैं ना कि मतलब मुझे भी डर लगता रहता है, कहीं बच्चे चिल्लाते हैं ना तो मैं दौड़ के देखती हूँ कि क्या हो गया। खैर चलिए, मैं आ गई हूँ किचन में, कुछ काम मैं जा रही हूँ किचन के निपटाने के लिए। और उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ मस्त वाली लस्सी, तो मैं ऐसे दो फ्लेवर में बनाऊँगी। और समृद्धि को जो मैं फ्लेवर बनाने वाली हूँ ना, एक फ्लेवर समृद्धि को बहुत पसंद है और दूसरा फ्लेवर आरुल और सिन्हा जी को बहुत पसंद है। तो मैं ना आज उन लोगों के, मतलब वो लोग जैसे सिन्हा जी अभी रूम में आराम कर रहे हैं, ऑफिस से आ चुके हैं, बच्चे चले गए खेलने, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ और फ्रिज में रख दूँगी, बच्चों को सरप्राइज़ दूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर जो पफ बिस्किट नहीं होती है वो आई थी, तो शैमू ने खोल के खाया था और वैसे ही उसने पैक रख दिया था। और अभी हो गई है समर स्टार्ट, तो बारीक बारीक जो चींटी होती है ना, पता नहीं कहाँ से उन्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सा पैक खुला हुआ है, चीनी है कहीं पे, मीठे कुछ रखे हैं, मतलब बस लपक पड़ती है वो। तो इसलिए मैंने सोचा कि रख देती हूँ डब्बे पैक करके। और ये जो पफ बिस्किट है ना, ये शैमू को भी बहुत पसंद है और शैमू के पापा को भी बहुत ज़्यादा, तो मैंने डब्बे में भर दिया, जो बच गया उसे मैंने पिन लगा करके मैं रख देती हूँ, वार्डरोब में जगह ही नहीं है। और आज मैं लस्सी बनाऊंगी, तो लस्सी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं दो तरह की लस्सी बनाऊंगी, पहले ही बता देती हूँ। एक मैं बनाने वाली हूँ केसर पिस्ता लस्सी और एक बनाऊंगी मैं मैंगो लस्सी। दोनों लस्सी के लिए मैं घर में ही सारी तैयारियाँ करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को अच्छा लगे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लस्सी कैसी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैंने दही लिया है, और यहाँ पे दही आप और इससे गाढ़ी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वांटिटी 1 कप की मैं ले रही हूँ। क्वांटिटी में मैंने दूध लिया है, दूध मैंने फ्रिज का ठंडा दूध लिया है। अब उसी के साथ में मैं यहाँ पे शुगर पाउडर डाल रही हूँ। ये चीनी का पाउडर आप खुद भी बना सकते हैं घर में, मिक्सी में चीनी को पाउडर कर सकते हैं, तो मैं वही करके फ्रिज में रखती हूँ इन सब रेसिपियों के लिए। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है, या आप किसी तरीके की शरबत बना रहे हो तो उसमें भी बहुत जल्दी जो चीनी होती है ना डाइल्यूट हो जाती है। और इसमें मैंने कुछ आइस डाल करके मैंने पहले यहाँ पे लस्सी की बेस बना ली है, जो नॉर्मल लस्सी होती है वो बनकर रेडी हो गई है। अब दूसरी जार लेकर के मैं यहाँ पे केसर वाला दूध ले रही हूँ, चूँकि मैं ये केसर पिस्ता बना रही हूँ, पहले केसर पिस्ता फ्लेवर रेडी कर रही हूँ। तो केसर मैंने यहाँ पे 25 से 30 धागे मैंने डाले थे ताकि बहुत अच्छे वाले कलर आ गए हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिस्ता, पिस्ता मैंने 25 से 30 लिए हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा काजू लिया है तोड़ करके, वो काजू ऑप्शनल है, आप चाहे तो रखें नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं, वैसे अच्छा लगता है। और इसी दरदरी मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। और यहाँ पर ये जो है लस्सी की बेस रेडी है, तो बस ग्लास में डालना है और इसे डाल लीजिए, ये 2 ग्लास इससे रेडी हो जाएंगे, तो अरुल और सिन्हा जी दोनों को हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले 1 ग्लास रेडी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है उसमें, और थोड़ा सा पहले लस्सी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चीनी हमने ऑलरेडी डाल दी इसलिए मीठा कुछ डालना नहीं है। और उसके बाद आप इसको पूरे ग्लास को भर दीजिए लस्सियों से, और उसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए। तो जो हमने पिस्ता और केसर की जो मैंने पेस्ट बनाई थी उसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। केसर पिस्ता को पीसने के लिए ना आप थोड़ा सा पानी या दूध का यूज़ कर सकते हैं, दूध ही कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा केसर का दूध, ऊपर से मैंने दही वाली जो मलाई होती है ना मोटी वाली वो डाल दी है, उसके ऊपर से आप कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, या फिर आप चेरी डालिए, या फिर टूटी फूटी डाल करके आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट ही डाल रही हूँ, चूँकि केसर पिस्ता है ना, तो ड्राई फ्रूट इसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे। और इसके साथ में आप थोड़ी वो टूटी फूटी भी डाल सकते हैं, मैं टूटी फूटी अभी नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है आम, मैंने मैंगो मैंने 1 लिया है, इसमें 2 ग्लास रेडी हो जाएंगे।
तो मैंने 2 ग्लास वो रेडी किया है, 2 ग्लास ये रेडी करूँगी, हम 4 जन हैं तो हो जाएंगे, बाकी बना के फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, जब पीना हो तो फटाफट बनाइए। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पे स्क्वायर में मैंने यहाँ टुकड़े कट करके निकाल लिए हैं, इससे बाद में डेकोरेट करेंगे। और बाकी जो आम है ना, इसके हम पल्प निकाल लेंगे, और ये पल्प मैंने निकाल लिया है, अब इसकी हमें पेस्ट बनानी है। तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे इलायची पाउडर इसमें ऐड करते हैं, मैंगो के साथ में ना इलायची पाउडर का कॉम्बिनेशन का जो टेस्ट है ना, बहुत ही लाजवाब होता है। तो जब भी बनाइएगा थोड़ा सा ज़रूर ट्राई कीजिएगा डाल करके। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं दूध डाल रही हूँ, और इसकी भी मैं एक थिक पेस्ट बना रही हूँ। तो आम को अगर ऐसे आप बिना दूध के पेस्ट बनाएंगे तो बहुत ही थिक होती है, जैसे अभी आप दूध डालने के बाद भी थिक है। अब इसे क्या करेंगे, मैं ग्लास में मैंने डाल दिया है आम के जो हमने बना कर रेडी किए हैं, उसे मैंने ग्लास में डाला है, और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें लस्सी, और इसे पोर करके भर दिया मैंने। और चलिए ये हो गई है रेडी हमारी 2 तरह की, और इसके ऊपर से कटे हुए आम से इसे आप गार्निश कर लीजिए, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दीजिए, और चाहे तो टूटी फूटी या चेरी 1-2 आप डालकर डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखते ही देखते हमारी जो ये मैंगो की भी जो लस्सी है वो भी रेडी हो गई है, पिस्ता की भी हो गई है। तो चलिए अब चल करके ट्राई किया जाए कैसा लग रहा है, बच्चे भी आने ही वाले हैं, लेकिन पहले मैं फटाफट इसे लेकर के जा रही हूँ सिन्हा जी को, पहले ट्राई करा ले रही हूँ कि कैसा बना है। तो चलिए लेकर चलते हैं। आयु तो अच्छा लग रहा है, आयु फोटो खिंचवाने जा रहे हो, ठीक क्या? स्कूल के लिए पासपोर्ट साइज फोटो। देखो दीदी छुप रही है क्योंकि दीदी भी शर्ट पहनी हुई है ऊपर से और ब्लेजर और नीचे जींस पहनी हुई है, इसलिए छुप रही है। क्या कर रही हो? मैं अभी पासपोर्ट साइज फोटो बनाने जा रही हूँ, बाल ठीक करना है, नीचे से जींस ऊपर शर्ट ब्लेजर, क्योंकि पासपोर्ट साइज में कुछ पता तो चलेगा नहीं, तो सेमो फायदा उठा रही है उसका। क्या हाँ। तुम भी बना दो ना एक, मुझसे अच्छे से बन नहीं रहा आज। आ जाओ लाओ ना कंघी दो, अच्छा बनाई भाल बोली। क्या बताई नहीं कि लस्सी कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। बता दो फ्रेंड को। बहुत टेस्टी था। बहुत टेस्टी था। तुम कौन सा पी, मैंगो वाला पी या मुझे काजू नहीं, पिस्ता केसर नहीं, सैमू को पिस्ता केसर नहीं चाहिए था, इसको चाहिए था मैंगो, मैंगो की दीवानी है। स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं लगाती हूँ बहुत, आज मरने का था, पैर मेरा बहुत टूट गया, मैं स्कूल नहीं जा रहा, फोटो आज मैं हाँ। तो ऐसे मैं फ्रेंड्स मैं ही सब कुछ कंघी वगैरह सब करती हूँ, बट मेरी मम्मा भी जानती है, इधर मुझे पहले ही चोट लग गया और इधर मेरे एडी में बहुत दर्द हो रहा है, आज मुझे चलने का भी मन नहीं है, आज मैं मन भी नहीं था जाने का, बट कितना ज्यादा चोट लगा ली हूँ। हाँ आज कल ही, पहले का देखो कल का ही हुआ, कल था, झूठ बोल रहा, कल ही लगा। जूता ही पहन, सो फ्रेंड दोनों बच्चे गए हैं अभी फोटो अपना निकलवाने के लिए, क्योंकि अभी ये है ना बच्चों की एडमिशन हुई है, और अभी उनके डायरी में, उनकी कार्ड में, आई कार्ड में, और बाकी बहुत जगह पे ज़रूरत पड़ती है,
तो हमने 2 साल से फोटो नहीं 2 साल पहले निकलवाया था, तो 2 साल चले हैं और अभी निकलेगा तो फिर 2 साल चलेगा। हर साल तो नहीं, 1 साल तो गैप हो ही जाता है, तो हर साल रिसेंटली एकदम ऐसा नहीं कि फ़ोटो निकलवाया और दिया, अभी 2 साल पहले करवाया था, मतलब 1 साल गैप हुई है और इस साल फिर ले करके फ़ोटो देना है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर फिर नहीं करवाना। हम इंडियन होते ही है जुगाड़ू, काम चल जाए बस काम चला लेना है चाहे जैसे भी हो। तो खैर, तो फ्रेंड आज ना मैंने आपके साथ शेयर किया है 2 तरह की लस्सी। तो गर्मी आ गई है ना, तो गर्मी में तो हर घर में लस्सी हो आम बनना ये सब तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। आपको लस्सी की ये रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। लस्सी की बहुत वैरायटी होती है और छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोगों सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। कुछ तो होते हैं ऐसे जो कि जैसे आज मैंने जो बताया है वो तो बच्चे को भी बहुत पसंद आएगा बड़ों को भी, लेकिन जैसे बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद आता है तो चॉकलेट से भी चॉकलेट लस्सी भी बनती है चॉकलेट टेस्ट से। चॉकलेट पाउडर हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन क्या यूज़ करेंगे वो मैं जब भी आपके साथ शेयर करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। और उसी के साथ में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं पान के, मीन्स आम पन्ना के जो होते हैं वो भी फ्लेवर आप लस्सी में डाल सकते हैं। तो लस्सी में आप बहुत वैरायटी कर सकते हैं, बहुत वैरायटी में बना सकते हैं। आपको अगर लस्सी की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं फिर अपने अगले किसी भी ब्लॉग में मैं लस्सी की और भी मतलब अलग अलग फ्लेवर की मैं आपके साथ में लस्सी शेयर करूँगी। और उसी के साथ में बहुत सारे ऐसे मतलब एनर्जी ड्रिंक होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे शरबत होते हैं तरह तरह के, तो वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप कमेंट करें या ना करें, क्योंकि मैं तो बनाती हूँ तो ब्लॉग है तो ब्लॉग में तो मैं जब घर में बच्चों के लिए बनाती हूँ साहब के लिए बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ तो शेयर करूंगी ही। लेकिन हाँ, कुछ भी अगर मेरी कोई रेसिपी हो या कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है ना तो कमेंट करके बताइए, नहीं अच्छा लगता है तो जाहिर सी बात है कि आप कॉमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर अच्छा लगता है ना तो कॉमेंट किया कीजिए तो मुझे भी पता चलेगा कि मतलब आप लोगों को किस टाइप के ब्लॉग पसंद है। तो खैर कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समर शुरू हो गई हैं तो समर के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी रेसिपी है, चाहे वो खाने का खाना हो या फिर पीने का मतलब लस्सी हो ड्रिंक हो, बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती है। तो मैं जब भी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर तो करूंगी ही। और बस यही सब चल रहा है, बहुत दिन हो गया था फेस टू फेस बात किए हुए तो मैंने सोचा कि चलो आज समय मिला है तो बातें कर लेते हैं आप लोगों से, नहीं तो क्या होता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है और पीछे से कभी म्यूजिक चल रही है कभी बच्चे ही परेशान कर रहे हैं ना, तो अलग अलग तरीके की आवाज़ आती है ना, तो उसमें अगर मैं कुछ बात भी करना चाहूँ ना तो क्लियर आवाज़ नहीं आएगी या मेरे साथ साथ और लोगों की भी आवाज़ आएगी, तो इसलिए। और ब्लॉग है तो मैं किसी को ये नहीं कर सकती कि हाँ मतलब तुम मत बोलो या कम बोलो या कुछ भी है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों की भी छुट्टी है, बच्चे अपने तरीके से रहते हैं या बातें करते हैं या खेलते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बच्चों को भी जैसे जो जैसे बोलते हैं बातें करते हैं, मैं कोई भी बनावटी या कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चों को कोई डायलॉग रटवाती हूँ या फिर तुम्हें यही बोलना है तुम्हें इतना ही बोलो, जैसे होता है बच्चों को भी लोग ब्लॉग में लाते हैं तो सारी चीज़ें समझा कर लाते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, बस जो बच्चों के मन में आता है, बच्चे इनोसेंट होकर बातें करते हैं बोलते हैं या मैं भी या मेरे सिन्हा जी हैं हम सभी, मतलब जो नॉर्मल लाइफ हमारी होती है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोई बनावटीपन उसमें नहीं होता है, ना मैं उसके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखती हूँ, ना ही मैं बच्चों को कोई स्क्रिप्ट समझाती हूँ, ना कोई डायलॉग समझाती हूँ, ना मैं खुद बोलती हूँ, फिलहाल तो अभी एकदम से नॉर्मल चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो खैर कोई बात नहीं है, अगर मेरी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आती है तो फ्रेंड मेरे ब्लॉग को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और मेरी कुकिंग कैसी लगती है या मेरी लाइफ स्टाइल किसी चीज़ में अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए आप लोग, और कोई भी नई रेसिपी भी सीखनी है तो मैं ब्लॉग में आप लोगों को बता सकती हूँ। वैसे तो मेरी कुकिंग चैनल है कुक विद अल्पना, आप वहाँ पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको सारी रेसिपी और सब कुछ वहाँ पे देखने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए बातें बहुत लंबी हो गई है तो वीडियो को यहीं पर करते हैं इन, और फिर फ्रेंड
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। पेपर्स खत्म करने हुए, पेपर्स खत्म हो गए, बहुत दूर बोल रहे हो।